नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। बस थोड़े ही कदम रह गए हैं गणेश चतुर्थी आने में। कल 7 तारीख से घर घर विराजमान हो रहे हैं। सर्वप्रथम पूजा जिनकी होती है गणेश भगवान, और क्यों सर्वप्रथम पूजा होती है वो भी हम बताएंगे। सर्वप्रथम पूजा इसलिए होती है और बुद्धि के दाता कहे जाते हैं गणेश भगवान। और बुद्धि के दाता क्यों कहे जाते हैं वो भी हम बताएंगे आपको, सब कुछ बताएंगे। बस देखते रहो मार्केट संवाद। और ये मिट्टी के जो गणेश जी बन रहे हैं, एक काफ़ी बड़ी गणेश जी की मूर्ति बनाने के निर्माता कहें तो गुरेज ना होगा, और फैक्ट्री कहें तो तब भी गुरेज ना होगा, क्योंकि भगवान गणेश को माँ गौरा पार्वती ने भी मिट्टी अपने मैल से बनाया था। जब दरवाजे पर गणेश जी की मूर्ति बनाकर वो पहरा दे रहे थे, उसी समय की बात है। और हम एक भगवान का स्वरूप दिखाते हैं जो बहुत सुंदर स्वरूप है भगवान का। सामने डॉक्टर साहब दिखाई दे गए, नंगरा के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, डॉक्टर कोटिया के नाम से जाने जाते हैं। वो भी गणेश भगवान की प्रतिमा देखने के लिए आए हुए हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते भाई साहब। डॉक्टर साहब कल से विराजमान हो रहे हैं गणेश जी? हाँ। का वो चाह रहे दो शब्द आप जब आए हुए थे तो कछु कह दो झांसी वाले ने गिलाने। देखिए, ये झांसी के प्रसिद्ध मूर्ति कलाकार हैं और इनके यहाँ सालों से मूर्तियाँ बन रही हैं, इनके पूर्वज के समय से मूर्तियाँ बन रही हैं। और झांसी की नामी मूर्तियाँ यहीं से जाती हैं, सबसे बड़े बड़े जो पंडाल लगते हैं वो सब यहीं से जाते हैं। और इनकी मूर्ति के जैसा कोई कलाकार नहीं होगा झांसी में जो इनकी मूर्ति का दर्शन दे। और माता की मूर्तियाँ, गणेश की मूर्तियाँ, झांसी की रानी की मूर्तियाँ काफ़ी फेमस यहाँ। काम जगह का नाम क्या है? ये ईसाई टोला निर्मला कॉन्वेंट के बगल में है। किसकी किसका जो कारखाना है? ये मनोज माहौर हैं, अपने मित्र हैं उनके यहाँ से। धन्यवाद सर। आप प्रतिमा को देखिए, कितनी सुंदर प्रतिमा है। चूहे पे सवार उनकी सवारी है गणेश जी की। आप देख रहे होंगे कलाकार की कलाकारी। और भगवान भी सोचता होगा जिसको हमने धरती पर उतारा आज वो हमारी प्रतिमा बना रहा है। हमने धरती पर ये मनुष्य के रूप में पुतले बनाकर धरती पे भेज दिए, आज वही पुतले हमारे पुतले बना रहा है। यही भगवान की परमात्मा का इनके ऊपर कृपा है जो कलाकारी से भगवान की प्रतिमा को बना रहे हैं। अपने स्वापा वाले पप्पा तो खूब देखे उनने गावन में। अब जो स्वापा वाले पगड़ी वाले महाराज, ये गणेश जी महाराज हैं जो कलाकार इनकी आंखों में काजल लगा रहा है। शादियों में भाभी काजल लगाती थी देवर को, लेकिन ये भगवान को काजल लगा रहे हैं। भगवान ने इनको ये कलाकारी सौंपी। ये बड़े खुश नसीब हैं कि भगवान को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं और उनकी प्रतिमा सुंदर बना रहे हैं। क्योंकि भगवान ने इंसान को पुतला बनाकर इंसान को भेजा, और आज इंसान भगवान का पुतला कितने खूबसूरती से बना रहा है। और ये पगड़ी वाले स्वापा वाले गणेश जी महाराज कह रहे कितने फुट के हैं जे? 18 फुट के? 12 फुट के हैं जे गणेश जी भगवान। कितनी सुंदर पगड़ी है, जैसे गांवन में स्वापा पहन लेते प्रधान जी तो बड़े खूबसूरत लगन लगते सरपंच, और आज भगवान के सर पर ताज और पगड़ी है तो भगवान की और खूबसूरती बढ़ गई है। गणेश के बाद नवरात्रि आने वाली है तो नवरात्रि में भी प्रतिमा मिलेंगी। सर्वप्रथम गणेश भगवान की पूजा होती है। ये बच्चा कितनी खूबसूरती से कलाकारी कर रहा है गणेश भगवान के प्रतिमा पर, रंग भर रहा है और उनको सुंदर देने का भरपूर प्रयास कर रहा है कि उनकी मूर्ति को सुंदर बनाया जाए। और खूबसूरत बना भी दी है, आप देख रहे होंगे, बिल्कुल
नीलकंठ के कलर में, जैसे भगवान शंकर जी का कलर दिखाई देता है आपको फिल्मों में, उसी तरीके से भगवान गणेश को विराजमान कर दिया है। नंदी महाराज पीछे विराजमान है। मार्केट संवाद इस बच्चे को और परमात्मा से प्रार्थना करता है इसके हाथों में और कलाकारी दे दे, जिससे पूरे ब्रह्मांड के देवताओं की चित्र बनाकर धरती पर हर देवंत का चित्र मौके मौके पर बनाता रहे। ईसाई टोला में एक कारखाना है भगवान का, और माँ आदिशक्ति मिट्टी से यहीं पर इनकी प्रतिमा बनाई जाती है। मार्केट संवाद अपील करता है भगवान गणेश की कारखाने में आप सब से, जो मार्केट संवाद को आप प्यार देते हैं और हमें बहुत चाहते हैं, तो हम अपील करते हैं कि 50,000 सब्सक्राइबर होने में सिर्फ 90 सब्सक्राइबर बाकी हैं, और हम एक भव्य कार्यक्रम करने जा रहे हैं 11 तारीख को, तो आप सब बस अपनी मोहब्बत चाहत दिखा दें, मार्केट संवाद पर उंगलियां चला दें और सब्सक्राइबर बन जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे जल्दी से 50,000 का पायदान हम प्राप्त कर लें। और भव्य कार्यक्रम करने जा रहे हैं 11 तारीख को राजकीय संग्रहालय में, सम्मान समारोह खुशी जाहिर हम तभी कर पाएंगे जब आप साथ देंगे। हमारी औकात नहीं है कि हम कुछ कर सकें, बस आपकी मोहब्बत, आपका स्नेह, आपका प्यार है जो आप चैनल को देखते हैं, और हमारे सब्सक्राइबर खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और भगवान गणेश की कृपा से उन पर खूब कृपा बरसे। बस अपनी कृपा थोड़ी मार्केट संवाद पर भी बरसा देना। चल रहा हूँ धूम में तो विनायक तेरी छाया है, शरण तेरी सच्ची है, बाकी सब मोह माया है। मोह माया में सब विदे हैं, अच्छी बात है, लोग कमाने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए भी 5 मिनट 10 मिनट निकाल लें, क्योंकि परमात्मा ने हम आपको धरती पे भेजा, तो हम आपका कर्तव्य बनता है कि उनका शुक्र अदा करते रहें, उनका नाम भजन कर उनका शुक्र अदा करते रहें। ये आप देख रहे होंगे भगवान के चेहरे पे पर्दा डाल दिया गया है, दुपट्टा डला है, चुनरी डली है, अभी कलाकार की कलाकारी पूरी नहीं हुई, इसलिए अभी छुपा के रखा है भगवान की प्रतिमा को। जब ये पूरी कलाकारी अपनी दिखा देंगे और ये प्रतिमा जब सुंदर स्वरूप में हो जाएगी तो बड़ी खूबसूरत भगवान की प्रतिमा दिखेगी। 12 फुट के गणेश जी सामने, पगड़ी बहुत खूबसूरत दिख रही है, और अभी कलाकारी दी जा रही है कलाकार के द्वारा। छोटी छोटी मूर्ति भी गणेश भगवान की सामने रखी है। गणेश जी ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों से सुरूर मिलता है, जो भी जाता है गणेश के द्वार कुछ ना कुछ उन्हें जरूर मिलता है। कितने खूबसूरत भगवान गणेश की प्रतिमा है। दुख से ना हो कभी किसी का सामना, गणेश चतुर्थी की सभी को शुभकामना। लड्डू जिनका भोग है, मूसक है सवारी, सुख करता दुख हरता जग पालन कारी, ऐसे भगवान गणेश जी हैं। और यहाँ पर मेन बात है मिट्टी के बनाए जाते हैं, जिससे हमारी नदियाँ प्रदूषित नहीं होती हैं। बाद में लोग नदियों में जो केमिकल से बनाए जाते हैं भगवान की प्रतिमा को, वो नदियों को दूषित करते हैं। अगर साफ नियत से मेहनत की जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है, और कलाकार अपनी पूरी मेहनत भगवान की प्रतिमा पर उतार रहा है। परमात्मा इनको भी मेहनत का फल जरूर देंगे। और सर्वप्रथम गणेश की पूजा क्यों होती है? गणेश जी बुद्धि के दाता हैं, और बुद्धि के दाता क्यों कहा जाता है? क्योंकि भोलेनाथ ने दोनों बच्चों का जब इंटरव्यू लिया या परीक्षा ली कि कौन सर्वप्रथम धरती पर पूजा जाएगा, तो भोलेनाथ ने कहा कि जो सबसे पहले ब्रह्मांड के परिक्रमा लगा के हमारे पास आ जाएगा
भाई सर पे दम पूजा जाएगा तो कार्त के चल दिए ब्रह्मांड के चक्कर लगाने के लिए जो गणेश जी के भाई हैं, और गणेश जी बुद्धि के दाता हैं, चतुर हैं, बुद्धि के दाता कहा जाता है गणेश जी को, इसीलिए कहा जाता है। तो गणेश जी ने अपने माता पिता के चक्कर लगा कर और सामने बैठ गए, तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ये क्या कर रहे हो गणेश, आप तो कहीं ब्रह्मांड के चक्कर लगाने गए ही नहीं हो, जब कार्तिकीय भी आ गए तो दोनों बच्चों से कहा। तो गणेश जी ने जवाब दिया कि माता पिता से बढ़ के कोई ब्रह्मांड नहीं होता, माँ बाप से बढ़ के कोई भगवान नहीं होता। तो गणेश जी ने माँ बाप की परिक्रमा लगा कर और सामने भोलेनाथ के विराजमान हो गए, तभी से इन्हें बुद्धि के दाता कहा जाता है, सर्वप्रथम पूजा जाता है। सर्वप्रथम इसलिए पूजा जाता है कि अगर आपको बुद्धि मिलेगी तभी आप घर का विकास कर पाएंगे और अपना विकास कर पाएंगे, जब आपके अंदर बुद्धि ही नहीं होगी तो आप क्या कर पाएंगे, इसलिए सर्वप्रथम गणेश की पूजा होती है। देवों के देव वक्रतुंडा महाकाया को अपने हर भरू से प्यार है, गणेश जी का रूप निराला है, चेहरा देखो कितना भोला भाला है, जब भी हम पर आए कोई मुसीबत गणेश जी ने ही हमें संभाला है, ऐसे गणेश भगवान को हम नमन करते हैं। मार्केट संवाद, आप सबको आने वाली कल जो गणेश चतुर्थी है 7 तारीख को अग्रिम बधाई देता है, शुभकामनाएं देता है। ओम एक दंताय भेव कृत तुंडाय दी मही तंतो दंता प्रचोदयात। फूलों की शुरुआत कली से होती है, जिंदगी की शुरुआत प्यार से होती है, प्यार की शुरुआत अपनों से होती है और अपनों की शुरुआत आपसे होती है। हे भगवान गणेश, सब पर कृपा बनाए रखना, और हमारे चैनल को यूट्यूब पे 90 सब्सक्राइबर और चाहिए, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम 50,000 आप सबकी बदौलत इस पायदान पर पहुंच सकें। मार्केट संवाद की रिपोर्ट, झांसी।